मोदी जी जो है ना, ये मान लो आप आज के राम है और यूपी के अंदर योगी जी आज के हनुमान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे राहुल गांधी को इस कर्मों की सजा मिलेगी, पूरा भारत बस उसे कभी माफ नहीं करेगा। हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास विकास है, 2047 का विजन है। ये गमंडिया गठबंधन है, ये सारे जितने भी गमंडिया गठबंधन के अंदर है ना, सारे फ्रॉड लोग है और सारे दो नंबर के लोग है। मैं आपको बता दूं, वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, वो तो केवल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो सोनिया गांधी का बेटा क्या जानता है जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ, वो तो ये भी नहीं जानता गरीबी होती क्या है, वो तो ये जानता है गरीबी कोई जाति का नाम है। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण का रण अब शुरू हो चुका है। लगातार उत्तर प्रदेश हो या देश, सभी जो है वो एक माहौल, राजनीतिक माहौल तेजी है। तमाम लोग हमारे बीच में है और नए लोग बीच में है, ये बात करने के लिए कि दूसरे चरण की वोटिंग के लिए क्या कुछ मन बनाया है जनता ने, किस तरफ जनता ने मूड तैयार कर लिया है दूसरे चरण के लिए जो है वोट डालने के लिए। तो लगातार हमारे संग देखिए बहुत सारे लोग हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश और देश में बना हुआ है, जिस तरफ लोग जो है चुनाव की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम आपका? सहदेव शर्मा नाम है मेरा। सहदेव जी, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश और देश की, मैं बालू दूसरी बार की वोटिंग अब शुरू होने वाली है, क्या जनता का मूड बन चुका है? देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि तीसरी बार पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और जनता इस बात को जानती है। चुनाव जो होने वाला है वो धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला है और चुनाव उन लोगों के बीच में होने वाला है जिन्होंने 500 साल हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई, उन लोगों के बीच में होने वाला है जिन्होंने गरीबी को कभी खत्म नहीं किया, उन लोगों के बीच में होने वाला है जिन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के बीच में होने वाला है जिन्होंने किसान की चिंता नहीं की। चुनाव अब जब हो रहा है तो मोदी जी के नीयत पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी के विकास पर हो रहा है। मैं आपको स्वागत दिलाता हूं दूसरे चरण के बाद और अंतिम चरण तक जब आप पहुंचेंगे तो मोदी जी अपनी आप होने वाला लक्ष्य 400 पार वो पूरा करके दिखाएंगे और देश में पुनः मोदी की सरकार बनेगी। लेकिन आपने धर्म और अधर्म की बात कही, इसको जरा डिटेल में समझाइए, कैसे अधर्म, धर्म का चुनाव अधर्म से हो रहा? दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक वो पार्टियां जो आपकी सनातन धर्म पर उंगलियां उठाती है, जो उसकी पार्टी का मुखिया इस बात को कहता है कि एक ऐसी शक्ति भारत में, जो एक ऐसी शक्ति है जिसको ये लोग पूजते हैं, जो हमारी माताओं के बारे में कहा जाता है, जिस देवियों की हम पूजा करते हैं, तो राहुल गांधी कहता है उन शक्तियों से मेरी लड़ाई है, वो मेरी माँ को चैलेंज करता है, मेरी शक्तियों को चैलेंज करता है। उसको ये मालूम ही नहीं कि सनातन के अंदर कितनी ताकत होती है। सनातन में बच्चा जब पैदा होता है और अंतिम समय तक अपनी माँ को पूछता है, उस माँ पर आपने उंगली उठा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे राहुल गांधी को इस कर्मों की सजा मिलेगी, पूरा भारत बस उसे कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है, पहले वो 44 पे आए थे, अब केवल 4 सीटों पर समझ कर रह जाएंगे। अगर उधर की बात की जाए तो ये भी विपक्ष का ये भी कहना है कि आप 400 पार का दावा कर रहे हैं, 200 पार आपके भी होना मुश्किल है। ये बात विपक्ष जानता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जब 2014 में हम लोग चुनाव में आए थे तो हमने कांग्रेस की एक लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट हमने आपको दिखाया कि कितने बड़े घोटाले थे। उनके पास एक सूची ऐसी नहीं जो नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा दे, वो तो केवल उन बातों पर उठाते हैं, हमारी सनातन धर्म पर उंगली उठाना, मोदी के चरित्र पर उंगली उठाना, मोदी के परिवार पर चोट करना, उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो जनता के बीच में जा सके। लेकिन हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास विकास है, 2047 का विजन है, इस देश को एक विकसित भारत बनाने का विजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। और आपने भी घोषणा पत्र देखा होगा, वो घोषणा पत्र में लुहावने आप ऑफर दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए देंगे और 370 धारा पे भी उठाने का विचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो देशद्रोह का हमने कानून बनाया उस कानून में संशोधन करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को लड़ाई में मजबूत कर और बहुसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है? वो हमारे देश में हमें अपंग बनाना चाहते, ये उनका घोषणा पत्र है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री का घोषणा पत्र है कि 2047 में विकसित भारत बने, मुफ्त में बिजली मिले, लेकिन सोलर से मिले, ना कि मुफ्त में मिले। आप उनके पास एक विजन है और तय मानिएगा, जनता जानती है मोदी के साथ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जितने भ्रम फैलाने हैं फैला लो, देश के दिल से मोदी और कमल के निशान को मिटा नहीं पाओगे। लेकिन लेकिन जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ, कह रहे हैं यहीं से आगाज पता चल रहा है, मोदी लहर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और अंजाम भी ऐसा ही होगा। मैं आपको बता दूं, वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, वो तो केवल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। उनके समर्थकों ने वोट डालना समझा ही नहीं, वो घर से निकले ही नहीं, उनकी हार निश्चित है और जो वोट डालने जा रहे हैं वो कमल के फूल पर डालने जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। वो तो रैलियों पे भी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ऐसी क्या घबराहट है, नरेंद्र मोदी को जगह जगह मीटिंग करनी पड़ सभाएं करनी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मंत्री जो है लगातार जो है इतनी सारी मीटिंग कर चुके हैं, इतनी सारी बैठकें कर रहे हैं, क्या कारण है? जनता केवल ये चाहती है कि मैं मोदी को वोट डालूं, लेकिन मोदी को वोट डालने से पहले एक बार मोदी को देख लूं। वो केवल जनता की आवाज पर आ रहे हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने विकास पर वोट मांगा है, अपने विजन पर वोट मांगा है, उन्होंने इनके झूठ पर, इनके बनाए हुए हथकंडों पर वोट नहीं मांगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, देश को विकास पर लेकर गए। सभी ये चाहते हैं एक बार मोदी आ जाए, केवल मोदी को देख लें। और मैं विश्वास दिलाता हूं, केवल दो ही बात याद रह जाएंगी, या तो श्री राम का मंदिर या कमल का फूल, यही दो चीज आपको सुनाई देंगी। पूरा देश आज कमल के फूल के साथ पुनः प्रधानमंत्री को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कह रहे मिला क्या है, परेशानी मिली है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली है, तो किस भी पे मोदी बना। मैं आपको बता दूं, अगर इस देश में महिलाओं को कभी सम्मान मिलने की बारी आई तो इसी जगह आई। जो महिला जब पैदा होती थी तो अपने माँ के नाम से जानी जाती थी, बड़ी होने के बाद अपने पति के नाम से जानी जाती थी, और बुजुर्ग होती थी अपने बच्चों के नाम से जानी जाती थी। अगर देश में पहली बार पहचान दिलाने का काम किया तो आपके देश के प्रधानमंत्री ने किया। अब राशन कार्ड लेकर जब उसका पति जाता है और राशन डीलर उसकी पत्नी का नाम लेकर बुलाता है, उसका पति हाथ उठाता है, ये पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, देश के प्रधानमंत्री को जाता है। आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए बनवाया, वो जानते हैं जो कर्ज लेकर अपने परिवार का इलाज कराते थे, वो 5 लाख रुपए तक इलाज कराते हैं। किसान सम्मान निधि देने का काम किया, केवल वो लोग जिनकी बेटियां घर पर आती हैं, दामाद घर पर आते हैं, वो अपनी बेटियों के सम्मान में किसान सम्मान निधि से निकालकर उनका सत्कार कर सके, ये देने का काम किया। 2 से 4 करोड़ मकान देने का काम किया। वो सारी योजनाएं वही चला सकता है जिसने अपनी गरीब माँ की पेट से जन्म लिया हो। वो सोनिया गांधी का बेटा क्या जानता है जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ, वो तो ये भी नहीं जानता गरीबी होती क्या है। वो तो ये जानता है गरीबी कोई जाति का नाम है, वो बार बार इसका नाम लेता है। जब से देश आजाद हुआ इंदिरा गांधी एक ही नारा देती थी कि गरीबी मिटाऊंगी, गरीबी मिटाऊंगी, लेकिन मिटाई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये गरीबी वोट देंगे। और कांग्रेस ने अगर हमें दिया तो केवल मनरेगा दिया और हमें मजदूर बना दिया, लेकिन अगर मोदी ने दिया स्टार्टअप इंडिया दिया, फ्री के सिलेंडर बांटने का काम किया। 2014 में आपको याद दिला देता हूं, अगर सबको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि किसी भी प्रकार आप 12 महीने में 9 सिलेंडर से काम चला लो, हम सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज आप देखिए, बटन दबाओगे अगले दिन सिलेंडर आपके यहाँ आ जाएगा। नीम कोटेड यूरिया बनाने का काम किया, वो यूरिया जिसको लेने के लिए लाइन लगती थी, विधायकों से सिफारिश करानी पड़ती थी, आज आप जाइए आपको यूरिया उपलब्ध हो जाता है। ये सारी चीज उस देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए की। वो जानते हैं इनके पास कोई कुछ नहीं था, केवल वायदे थे, लेकिन करने की बात आई तो आप चेक करिए घोषणा पत्र 2014 का उठा लीजिए, 2019 का उठाइए, 80% वायदे पूरे किए गए। इस बात को लेकर हम जनता के बीच में हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा, आपने अपनी गरीबी की बात की और गरीबी पे उन्होंने कहा कि गरीबी तो हम एक मिनट में मिटा देंगे, खटाखट 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 8500 रुपए पर महीना आएगा। ये वही राहुल गांधी है जो आलू से सोना बनाते हैं, एक मिनट में गरीबी उठाते हैं। अभी एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा वो एक मिनट कौन सी होगी जब गरीबी हटेगी, तो उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा क्या मैंने ऐसे बोला था। जो अपनी बात पर नहीं टिक पाते, उन्हें यही नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, वो गरीबी कहाँ मिटाएंगे, वो तो जानते भी नहीं गरीबी क्या होती है। वो ढोंग करते हैं 18,000 रुपए की शर्ट पहनकर, चप्पल पहनकर 2,000 रुपए निकालने गए थे ATM से, मैं इस बात को जानता हूँ। उन्हें 2,000 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देश के लोगों को भ्रमित करने गए थे। वो कोई काम नहीं करते, केवल बेवकूफ बनाते हैं, छुट्टियां मनाने थाईलैंड चले जाते हैं और लौट कर इंडिया आते हैं और विदेश में जाकर केवल इंडिया की बुराई करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा ऐसा आपको लगता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश नाम है मेरा। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, 400 पार का वादा झूठा है, 200 पार होना मुश्किल है। कांग्रेस के वादे लगातार देश की जनता ने पिछले 60 वर्षों से देखे, उन्होंने जितने वादे किए आज तक कभी धरातल पर नहीं आए। ये चुनाव ये समझ लीजिए माननीय प्रधानमंत्री के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल का आकलन है, और देश की जनता बखूबी जानती है कि 10 साल में मोदी जी ने जो कहा धरातल पर उतारने का काम किया, कांग्रेस ने जितने भी वादे किए आज तक धरातल पर नहीं उतरे। हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने देखा होगा आज तक जितनी भी योजनाएं उनकी चली वो सिर्फ कागजों में चली। मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जब से आए हैं जितनी भी योजनाएं दी जमीन पर लोगों को, उन योजनाओं के माध्यम से टच किया, चाहे हमारे सबसे प्रथम स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी महिलाएं जो खुले में शौच के लिए परेशान होती थी, उस समस्या को समझते हुए घर घर शौचालय देने का काम किया। तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं,
हर घर में जहाँ शौचालय नहीं था, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उन्होंने किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन्होंने किसी का भी कोई भेदभाव नहीं किया। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को उन्होंने योजनाओं का लाभ देने का काम किया। उसी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनके माध्यम से उन्होंने देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को। आपने जो योजनाएं गिनाई हैं वो योजनाओं को तो कह रहे हैं कि ढेंगा दिखा दिया गया है। ये योजनाएं चल रही हैं वो सिर्फ हवाएं में, मोदी जी पोस्टर पे बैनर पर फोटो लगा लेते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। ये सिर्फ विपक्ष का सिगुपा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस व्यक्ति को आपने देखा होगा जिस पर रहने के लिए छत नहीं थी, उसको अगर मकान मिला हुआ होगा तो उसकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। उसके लिए उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और उसके मन में ये मन स्थिति पब्लिक की नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की है जिन लोगों की माननीय मोदी जी के आने से दुकानें बंद हो गई हैं। वो अपनी दुकान किसी भी तरीके से जनता में भ्रम फैला करके अपनी दुकान सजाना चाहते हैं, लेकिन आज देश की जनता पूरी तरह से जागरूक है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरीके से 2014-2019 में दिया, उससे बढ़ चढ़ कर आज मोदी जी ने जो आह्वान किया जनता से 400 पार का, उस 400 पार के नारे के साथ देश की जनता जाने वाली है और पूरी तरह से भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तो वक्त बताएगा 400 पार हो रहा है कि नहीं, लेकिन जनता से पूछना जरूरी है 400 पार हो रहा है कि नहीं। एकदम सच, अब की बार 400 पार। ये जनता का मत है, जनता ने देख रखा है कि मोदी जी गारंटी है, जो कहते हैं पूरे करके दिखाएं। चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे महिला का हो, चाहे शिक्षा के संबंध देखा जाए, सभी के लिए सभी का एक ही मत है कि अब की बात 400 पार और फिर से मोदी सरकार। और राहुल गांधी जो मना कर रहे हैं कि इस बार तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको ये नहीं मैं क्या कह रहा हूँ और क्या क्या कहना चाहिए उनको, तो वो इंडिया दिख रहा है उनको, इंडिया ये नहीं देखे, भारत है ये सोने की चिड़िया है। ये जो मोदी जी का जो मिशन है, जो माननीय मोदी जी का उन्होंने जो किया है और गारंटी लिया, वो खड़े उतरे हैं जो है किसानों के में, चाहे किसान पेंशन हो, चाहे किसान बीमा योजना हो, चाहे जैसे शिक्षा के बारे में करीब 30-40 मेडिकल कॉलेज खुल गए जो है, शिक्षा बालिकाओं के लिए ग्रेजुएशन प्राइस। जनता को इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है, जनता बदलाव चाहती है? राहुल गांधी कैसे विदाई थोड़ी हो जाएगी, जो जनता जो चाहेगी। जनता का कहना है कि जैसे इस तरीके से माननीय मोदी ने करीब 10 साल में जो है संभाला देश को, प्रथम स्थान देखा जाता है विश्व में, कहीं जाना था पहले प्रधानमंत्री थे, किसी को इसी तरीके देखा था कि प्रधानमंत्री आ रहा है, पहले से ही उसके लिए नतमस्तक होकर खड़ा हुआ है। ये प्रधानमंत्री है, ये मोदी जी है, भारत के प्रधानमंत्री है, और ये 2047 तक भारत विकसित आजाद होगा, इस ये मिशन हमारा पूरा होगा। और जनता भी जानती है कि भाई जो मोदी जी का कार्यकाल हुआ है आज तक किसी का हुआ, जो लाभ तो कोई मिला नहीं है कह रहे हैं राहुल गांधी, कोई लाभ ही नहीं मिला जनता को। जनता को लाभ मिला है ना, मोदी लेकिन को लाभ मिला 10 साल में बह रहे हैं, बस सिर्फ हेलीकॉप्टर लेकर घूमे हैं, प्लेन लेके मोदी जी काम नहीं किए। किस क्षेत्र में? सभी क्षेत्र में लाभ ही मिला है, किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, सभी को लाभ मिला है। बोलिए, तो इस तरीके से वो तो विपक्ष तो यही कहेगा, उनके पास कुछ है नहीं और उनको जो दिख रही है कि वो लोग क्यों नहीं, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो देखिए ना, उन्होंने मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, 75,000 रुपये 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है, तो तमाम वादे कर रहे हैं। वादे तो किया है उनके, 17 साल में उन्होंने क्या वादा किया पूरा सर, अभी 10 साल मोदी सरकार को हुई है, 17 साल से कांग्रेस थी, उनके वादे पूरे कहाँ चले गए जो है? और जो मोदी सरकार है जो कहती है गारंटी साथ वो पूरा करती है। तो जनता नाराज है क्या कांग्रेस? नहीं, जनता कौन से नाराज है, माननीय मोदी जी खुश है, उन्होंने राम मंदिर के लिए कितना देर पहले की, 5 वर्ष पुराना हमारा कम से मिशन पूरा हुआ, धाती से ढाई हम लोगों के ढाई जो है, और फौजी हमारे सेनानियों के लिए क्या कम ये कार्य किया, जो नौजवानों के लिए कार्य किया है, तो जनता तो खुश है, लेकिन विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष खुश नहीं है, विपक्ष क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी मोदी, लेकिन उनके कहने शुरू हो जाएगा। जनता चुनती है, जनता वोट देती है, जनता के कहने से सब कुछ होगा, जनता चाहे तब कुछ होगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार की नहीं है? मोदी सरकार रहेगी और मोदी सरकार ने काम किए हैं, उसने हमको 2 लाख रुपए दिए। क्या के लिए दिए? हमारी घरवाली का बीमा था 12 रुपए साल का, महीने का, उसने कहा कि मैं आपकी कोई परेशानी होगी तो जो है हमारी घरवाली खत्म होगी, उनने 2 लाख रुपए हमको दिए। अच्छा, हाँ, इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, रोजगार और बिल्कुल हमारा तो पूरा ही बढ़िया गाड़ी लाइन पे आ गई है समझ लो। अच्छा, हाँ, हम इतने मजदूर थे बहुत ज्यादा, हमारे पास कुछ नहीं था, आज उनने खूब हमारे पास
कर दिया उनकी 2 लाख रुपए से हमारी खूब रोटी रोजी चल गई। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं बहुत सारा हम लोग योजना लाए हैं, बहुत कुछ गरीबी मिटा देंगे हम। कभी नहीं दिया उनने आज तक, हमने देखा है उनके शासन में कुछ नहीं दिया आज तक। आपने तो शासन देखा होगा राहुल जी का, खूब देखा है, खूब देखा है। कोई ये नहीं है कि आज तक कुछ नहीं लाभ नहीं मिला है। पहले चीनी मिलती थी, चीनी भी बंद हो गई, अब राशन पे भी कुछ नहीं है। अब तो बस मोदी जी देते हैं गेहूँ चावल जो दे रहे हैं सब जनता को खिला रहे हैं फ्री में। आज तक फ्री में किसी ने नहीं दिया, तो इस वजह से वोट दे देंगे, इस वजह से बीजेपी को वोट देंगे। और क्या लाभ मिल रहा है आपको? लाभ तो बहुत मिलते हैं, ये आता है हमारा जो बीमा है और काम है वो सब। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, वो आज तक किसी लोगों ने देखा है हमारी रोड पर, किसी ने नहीं देखा है। और मोदी जी आएंगे, अब मोदी जी का वोट मिलेगा, मोदी जी देखेंगे उनकी शक्ल देखने के। लोगों के लिए न्याय यात्रा की तो थी उन्होंने? कुछ नहीं किया न्याय यात्रा में, कुछ देखा ही नहीं आज तक हमने मोदी जी, वो देखे मोदी जी में मीना बाजार कोठी में आए थे। अच्छा, जब भी देखे, अब भी फिर आएंगे तो फिर देखेंगे। बस उन्हीं के शकल पे वोट देंगे हम, ऐसे नहीं उनको नहीं देंगे। मोदी आएंगे? हाँ मोदी जी आएंगे बिल्कुल, पक्का बिल्कुल, और वोट देंगे। विपक्ष कह रहा है इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है इंडिया गठबंधन के साथ, देख लो कड़ा मुकाबला है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, आप 0% पे आ जाएंगे वो भी कांग्रेस। अच्छा हाँ, चलिए आप इधर आ जाइए, आप इधर जान लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल राजपूत है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, कहना, मेरा नाम जवाहरलाल राजपूत है। हाँ, मैं गांव कलाल खिड़िया से बिलोंग करता हूँ। आगे बताइए किसकी सरकार बन रही, क्या लग रहा है? सरकार तो मोदी जी की सरकार बन रही है। हाँ, वो भी 400 पार 415 लिख लेना आप, 415 मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड में मोदी जी को अपने नंबर बता दिए? मेरी बात सुनो, मोदी जी को अपनी वैल्यू खुद पता नहीं है। अच्छा, आपको पता है? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर, अब कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के मिलने के लिए लाइन में लगा करते थे। आज वो दौर है जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट मोदी से ये कहता है आइए जी थोड़ा सा मुझसे ही मिल लो। तो क्या मोदी की वैल्यू पता है कितनी वैल्यू है? जो ऑल वर्ल्ड मोदी के सारों पर, गरीब का उससे क्या फायदा होगा? गरीब को मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। मोदी जी ने अपने, मोदी जी जो है ना, ये मान लो आप आज के राम है और यूपी के अंदर योगी जी आज के हनुमान है। हनुमान जी ने ऑल यूपी के अंदर राक्षसों का ऐसा संहार किया है जब उस जमाने में होता था। आज के समय में ऑल यूपी के अंदर कोई भी साला गुंडा मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में कोई भी आज बहन बेटी की तरफ ऐसे देख नहीं सकता है। ये योगी का काम है। मैं तो मोदी जी से एक गुजारिश करूंगा, 1000 मोदी पैदा किए जाए इस हिंदुस्तान के अंदर, जो हर प्रदेश में मोदी जैसा मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी और भला होगा। तुम्हें पता है, याद है मोदी जी, योगी जी का भाषण संसद के भवन में बोल दिया था मुलायम सिंह जी को, आज तुम मुझे आंसू रुला रहे हो ना। मैं सही माने में मैं धर्म के लिए आपको नौ नौ आंसू रुलाऊंगा। हाँ, वही आज योगी जी कर रहे हैं। हाँ, पूरे यूपी के अंदर। अभी तो विपक्ष कह रहा है कि गुंडागर्दी चरम पर है गुंडा। अरे देखिए ऐसा है ना, जो योगी जी वो काम करते, आप पूर्वांचल में जाके देखिए, साला वहाँ कोई सिविल का या कोई काम नहीं कर सकता था, आज कोई भी जाके वहाँ काम कर सकता है, किसी का कोई भय नहीं है। यह योगी जी का जलवा। कह रहे हैं बुलडोजर चला दे रहा है किसी के भी घर पे। बुलडोजर ऐसा है ना सर, कोई भी आप व्यापार करो, जिस आदमी का नुकसान होगा ना, दो नंबर वाले का, तो वो तो कहेगा साहब ये अनीति हो रही है। तो जाके ना छोटे लोगों को पूछो, गरीब लोगों को पूछो, वो बताएंगे आपको ये अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। आप कहीं भी यूपी के अंदर घूमो, हर शख्स गरीब छोटा बड़ा सब ये कहेंगे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल में कर रहे हैं। कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि चले? राहुल गांधी जी तो पप्पू है, राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं है। वो फटाक जो अरबपति खरबपति, मैं समझता हूँ आज की तारीख में 2,00,000 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी होगी, और वो बंदे ना लॉकडाउन में फटाक उड़ता पहन के जाता है और लोगों को दिखाता है साहब मेरे पास पैसे नहीं है। कोई मानेगा क्या? हिंदुस्तान की जनता पागल है? तो ये गमंडिया गठबंधन है ना, ये सारे जितने भी गमंडिया गठबंधन के अंदर है ना, सारे फ्रॉड लोग हैं और सारे दो नंबर के लोग हैं, जिन्होंने दो नंबर का पैसा इकट्ठा किया है उसको बचाने की आड़ में ये सारे गठबंधन बना हुआ है और कुछ नहीं है। यार तो आप चले जाइए ऑल इंडिया, चले के जाओ, हर
मजदूर किसान आज ही वोट किसको देंगे? मोदी को देंगे, मोदी को देंगे। ऐसा आज आज तक आपने 70-75 सालों में देखा है? इंदिरा गांधी को भी नहीं बोलते, आज जो हर लेडीज के जवान के बच्चा के जवान पे मोदी मोदी। ये कैंडिडेट किसी नहीं, सब हर आदमी चाहता है मोदी बने। मोदी बने कैंडिडेट को वोट देना दे, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं। कैंडिडेट को कोई वोट नहीं दे रहा है, हम यहाँ भी कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं मोदी को वोट। अच्छा, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, मोदी को वोट, मोदी के विकास को। आप ऐसा कहीं भी जाइए, आप यहाँ से आगरा से स्टार्ट करो और जाओ कलकत्ता, मेरे देखते देखते कम से कम 1500 पुल ये 2-3 साल के अंदर बने। क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद जाके देखा है, मैं खुद गया हूँ। अच्छा, ये विकास है? वो विपक्ष को तो नहीं दिख रहा विकास। अरे विपक्ष को सारे चोर लोग बैठे, उनको क्या विकास दिखेगा? हाँ। किसी को अपनी कभी कोई बताएगा कि मेरी ये कमी है? हाँ। ये विपक्ष काल है। हाँ। चलिए और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम आपका? अरे नाम बता दीजिए। नेत्रपाल। नेत्रपाल, नेत्रपाल जी। हाँ। किसको वोट देते हैं? बीजेपी को। क्यों देते हैं? हैं? किसान सम्मान निधि आ रही है। हाँ। इलाज मिल रहा है, मैं बीमार हो गया था। हाँ। सरकारी फ्री। हाँ। हाँ। और क्या मिल रहा है? और क्या, और सर राशन मिल गया। राहुल गांधी आ रहे हैं, कह रहे हैं हम भी आएंगे, सब दे देंगे, यही सब। राहुल गांधी तो पहले नसबंदी करा के इंदिरा गांधी के जमाने में, अब वो नसबंदी तो नहीं हो रही है सर अब। अच्छा। हाँ, कांग्रेस तो बेकार है। कांग्रेस बेकार है। हाँ, पंजाब बेकार है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत कुछ लाभ देंगे किसानों को। हाँ देंगे तो सर, हम लेंगे। हाँ। नहीं, बीजेपी से लेंगे। बीजेपी अभी कह रहे थे कि ले, नहीं, राहुल गांधी से काय को लेंगे। हाँ। राहुल गांधी तो नसबंदी करा जाती है। हाँ। हाँ। राहुल गांधी ने क्या किया? नसबंदी कराई कांग्रेस। सब कहा राहुल गांधी कुछ करे। अरे इंदिरा कांग्रेस ने कराई, इंदिरा गांधी ने कराई। हाँ। कैसा था इंदिरा गांधी का शासन? कैसा था? खराब था। खराब था। क्या क्या खराब था उसमें? 10 पैसे मिलते थे जब उस जमाने में, अब 100 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए मिलते हैं। हाँ, कहीं से ले जाओ तो 100 रुपए मिलते हैं जब 10 पैसे थे। और कोई बताएगा भाई, किसको बताना है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अलीम। अलीम आगे आ जाओ। अलीम, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? मेरा तो वोट ही नहीं आता, इस साल आएगा। इस साल जब आएगा तो किसको दे दोगे? देखते हो समय, अभी नहीं बताओगे। वैसे तो भाजपा का काम पसंद है। हाँ, काम अच्छा चल रहा है, मेट्रो भी आ गई हमारे आगरे में। आगरे में अच्छा, काम अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो पहले यहाँ खोलते थे तो वही कूड़ा कटकर दिखाई देता, अब तो मैं तार सिटी में रहता हूँ, यहाँ खोलता हूँ तो मेट्रो वेट्रो। क्या बात है, काम कर रही है सरकार। काम चल रहा है तो काम पे वोट मिल रहा है। हाँ मिलेगा, काम करेगा। हाँ, कोई भी जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसको। भैया काम बताना, बहुत काम है। काम सही चल रहा है ना? काम तो मतलब सरकार चुन रहे हैं आप सब लोग मिलके। हाँ भैया, भैया ये भैया कह रहे थे काम तो बताइए, थोड़ा काम बता दीजिए। आपको नहीं दिख रहा बीजेपी का काम? अरे तो भैया बताएंगे, आप हमसे पूछे, हमें बता दीजिए। अरे तो भैया मुझे तो नहीं दिख रहा, इसलिए कह रहा हूं बीजेपी ने काम नहीं किया। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम हर्षवर्धन। हाँ, तो क्या लग रहा है बीजेपी ने काम नहीं किया? स्टूडेंट के लिए क्या किया है? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। तो क्या जैसे क्या चाहिए आपको? जैसे भर्तियां निकले, युवाओं को क्या चाहिए? हाँ, रोजगार मिले, भर्तियां निकले। भाई रोजगार पर सवाल उठा रहे हैं भैया, जरा आप इधर आइए और जरा रोजगार पर जवाब दीजिए। बताएं अंकल, इधर आ जाइए। हाँ, आप बताइए भैया रोजगार। मैं इनसे पूछता हूँ इनकी उम्र कितनी है? अभी उम्र बताइए। मेरी 22 साल हो गई जी। 22 साल। कितने पढ़े हैं आप? मैं अभी तो मैं इंटर कर रखी है मैंने। इंटर कर रखी तैयारी। इंटर के बाद कौन सी वैकेंसी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि सवाल उठाने से पहले अपनी शिक्षा पे पूरा ध्यान दें। अगर अब मैं आज आपको बताता हूँ, कल भी UPSC का रिजल्ट आया है, जो लोग पढ़ने वाले हैं वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, उनकी नौकरी लगती है। आज सबसे ज्यादा नौकरियाँ बिना पैसों के अब लगती है। एक दौर ऐसा था, एक सूची बनकर जाती थी, उस सूची में एक कास्ट का नाम होता था, उसमें सारे एक ही समाज के लोग होते थे, वो सूची जारी होती थी, उसकी एक रेट फिक्स होती थी। आप तय कर लेना, किसी भी गांव में पूछा, अगर इस दौरान जिस व्यक्ति की नौकरी लगी हो वो अगर चैलेंज से ये बता दे उससे किसी ने 2 रुपए भी लिए हो तो आप बताना कि आप उस पर खुले में आरोप लगा सकते हैं सरकार को। एक व्यक्ति ने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, कितने लोग लगे वो अपनी मेहनत से। बेरोजगारी बहुत है, रोजगार निकल। मैं इनसे कहना चाहता हूँ 22 साल की उम्र है, अभी इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन करिए, मेहनत करिए, आपकी नौकरी लगेगी। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जब तक ग्रेजुएशन करेंगे लग जाएगी। कह रहे हैं क्या लग रहा है? अरे तो अंकल जी सही कह रहे हैं कि तैयारी व्यारी करेंगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उसके लिए निकले तो क्या निकले? भर्तियां कहाँ हो रही हैं? आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी है। अरे तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी, मैं जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए ग्रेजुएशन में सीट नहीं है जी। सर सुनिए, तो ग्रेजुएशन के लिए ही उसमें एग्जाम होता है उसका। हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं भाई, हम भी तो कह रहे हैं कि नीट्स में सीट नहीं है। सीट तो है, एडमिशन इनकी समस्या
समस्या ये, इनकी समस्या ये है कि जब मेरे बच्चे हो तो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, तो बोले बच्चे कहाँ, बोले शादी होने दो, शादी कब होगी पता नहीं। तो आप भविष्य की चिंता मत करो, पहले वर्तमान में आप अपनी तैयारी मजबूती से करो, विश्वास मानो आज अच्छे पढ़ने वाले लोग बिल्कुल 100% नौकरी मिलती है, कोई भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती, और आप मेहनत करेंगे आपको भी मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए आपका नाम जाने, आगे आजिए भैया, क्या नाम है आपका? विजय पाल यादव। क्या लग रहा है सरकार कैसा काम कर रही है? अब की बार कुछ नहीं है, अब की बार कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब बोल रहे ना, 400 बार अब की बार कुछ नहीं है। 400 बार नहीं हो रही है, कितनी रह जाए? 200 भी रह जाए, 200 बहुत। ये देखिए ये भाई सवाल, एक मिनट, अब सवाल उठता है भाई, ये कह रहे हैं कि 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए। मैं इनको कहता हूँ कि आप इंतजार करिए, हम लोग फिर मिलेंगे। ये 200 कह रहे हैं, मैं इनको बधाई लेने के लिए स्वयं बुलाऊंगा। जिस दिन ये 400 पार के जिस दिन रिजल्ट मिलेगा, मेरी भाई से मुलाकात होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है कि देश की 64% आबादी मोदी जी को वोट डालती है, लेकिन 36% आबादी ऐसी भी है तो किसी ना किसी संगठन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो इतने लोगों में आपने अभी लोगों से पूछा तो 80% लोगों का कहना ये, हम मोदी जी को वोट देंगे। हो सकता है दो लोग हैं उनकी विचारधारा मैच नहीं करती हूँ, लेकिन विश्वास मानिए इस वाले ये ठीक है। अच्छा एक बात बताए, एक मिनट, अरे 15 को छोड़िए, मैं सवाल कर रहा हूँ। अरे एक मिनट मेरी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए बॉस, बॉस मेरी सवाल सुन लीजिए, आसानी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मेरा सुन लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। इन्होंने कहा, आप कह रहे हैं 200 पार होना मुश्किल है, ठीक है, आपने कहा कि जनता के लिए काम नहीं किया इसलिए जनता 200 पार नहीं कराएगी, यही सवाल है ना भाई? जनता 200 पार नहीं कराएगी, अगर जनता ने 200 पार करा दिया तो आप ये मानेंगे कि योजना मिल रही है तरफ से इनको, हम मिठाई खिलाएंगे इनको, आप ये मानेंगे कि सारी योजना मिल रही है इसलिए पब्लिक ने वोट दिया? नहीं, इतना तो नहीं कहेंगे कि ईवीएम खराब है? नहीं नहीं, फिर तो नहीं कहेंगे? नहीं, क्यों कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे कि ईवीएम खराब है, हमने हम कब कहा है? ईवीएम का रोना रोया जाएगा? नहीं, मैंने कहा फिर अगर मानना पड़ेगा ना नीति आयोग, ईवीएम पंजाब में काम अच्छा करती है, ईवीएम दिल्ली में काम अच्छा करती है, और जहां पर गठबंधन की सरकार बनती है वहां ईवीएम काम करती है। अगर यहां उनकी सरकार नहीं बनती तो उसके लांछन लगाने का काम अगर सबसे पहले किया जाता तो ईवीएम पे किया जाता। ईवीएम कांग्रेस के शासनकाल में आई थी, इनको बता दो, ईवीएम का पहली बार प्रयोग अगर कभी किया गया तो कांग्रेस के शासनकाल में किया, उसको मोदी जी लेकर नहीं आए, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, शायद भाई साहब को पता नहीं होगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो स्पष्ट तौर पर उनके चीफ ने कह दिया है ये मजाक करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जिसको शक है। नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसा, देखिए फिर तो मानेंगे ना कि नीतियां सही है, अगर 400 पार या सरकार बनती है तो नीतियां सही है, इसका मतलब मानेंगे आप? देखेंगे जनता का रुख क्या आगे जाता है, जनता की बात है ना। और चलिए, ये तमाम लोग मौजूद मेरे साथ, मैं इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में, हम आपको द न्यूज़पेपर की टीम आपको सर्वे दिखा रही है, ये चुनावी सर्वे है जो कि पहले वक्त की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे की तैयारी है, तो लगातार हम आपको जमीनी हकीकत और जमीन के लोगों से जुड़ी हुई बातों को सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आ देते हैं।